बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की रहमत करम और शुक्र के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि हमारे गांव से थोड़ा सा दूर या पहाड़ों में एक डैम, जिसे हम फिशिंग फार्म भी कह सकते हैं, आज हम उसका विजिट कर रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे। अभी चलते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके आपको विजिट कराते हैं। यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। जो हमारे इलाके का डैम है वो पहाड़ों में मौजूद है और जंगल में, और उस डैम का नाम आवास डैम है। ये उस तरफ पीछे पहाड़ है और ये गांव की सारी जमीनें हैं। अभी मगरिब का टाइम है, तकरीबन सूरज ग़ुरूब हो गया है। ये रास्ता जंगल में सीधा जाता है। अभी हम बिलकर डैम के करीब पहुंच गए हैं। ये सारा जंगल है, पहाड़ है। इस टाइम मौसम काफी अच्छा होता है, इसलिए हम शाम को आए हैं। ठंडी ठंडी हवा, ताजा हवा चल रही है, बिल्कुल फ्रेश, कोई आलूदगी नहीं है। व्यूवर, अभी हम पहुंच गए हैं डैम पे। ये आपको पीछे नजर आ रहा है, ये डैम है जिसका आज हम आपको नजारा कराएंगे। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जंगल में मौजूद है। बहुत प्यारा नजारा है, खामोशी है और शाम का टाइम है तो और भी ज्यादा मौसम अच्छा है। बहुत जबरदस्त किस्म का मौसम है। तो अभी हम नीचे जाके आपको दिखाते हैं इस डैम के नजारे। इस डैम में तकरीबन कुछ दिनों बाद मछलियां भी डालते हैं और वो सर्दियों में निकाल लेते हैं, 5-6 महीने खुराक डाल के बड़ा करके। तो ये एक किस्म का फिशिंग फार्म भी है और डैम भी, जो आप कहें कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप नीचे चलते हैं और आपको नीचे का नज़ारा कराते हैं डैम के करीब जाकर। व्यूवर, ये नज़ारा है हमारे डैम का। ये आपको ऊपर जो नजर आ रही है ये वाली, ये ऊपर डेरा बना हुआ है। जिन लोगों का ये डैम है उनकी ये छोटा सा कमरा इन्होंने बनाया हुआ है, जब जहाँ चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पे रहते हैं वो। तो अभी नीचे चलते हैं और करीब जाके आपको थोड़ा विजिट कराते हैं। डैम के साथ ही ये छोटा सा जंगल बना हुआ है और ये जो आपको सफेद सफेद से पौधे बहुत ज्यादा इधर नजर आ रहे हैं, इन पौधों को काट के अगर खुश कर लिया जाए तो उसके बाद इनसे एक अच्छे से देसी झाड़ू भी बनाए जा सकते हैं। डैम काफी बड़ा है और गहरा तो बहुत ज्यादा है।
तो व्यूअर अगर आपने भी कभी इस तरह के डैम पे विजिट किया हो तो हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। ये अब्बास डैम हमारे गांव का मशहूर डैम है दोस्तों। अगर आप भी कभी इस तरह के डैम वगैरह में या फिशिंग फार्म पे विजिट किया हो और ये डैम आपको कैसा लगा है, अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। माशाल्लाह डैम का नज़ारा बहुत प्यारा है। तो दोस्तों अभी हम वापस जाने लगे हैं क्योंकि सूरज गुरूब हो चुका है और मगरब का टाइम है, तो टाइम लेट है और ये डैम है अभी जंगल में और गांव से काफ़ी दूर है, तो अभी हम वापस जाने लगे हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, किसी नई जगह का आपको विजिट कराएंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही आज के व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।